ऋतुराज बसंत के आगमन और विद्या की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व बसंत पंचमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के संगम में सरस्वती की धारा की मान्यता की वजह से देश के कोने कोने से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में डुबकी लगा रहे हैं। विद्या की देवी सरस्वती की आराधना कर उनसे ज्ञान और सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। संगम पर लगे माघ मेले के तमाम पंडालों में सरस्वती की पूजा और आरती की जा रही है। त्रिवेणी के तट पर लगे माघ मेले में आए साधु संत भी अपने खास अंदाज में उल्लास पर्व को मना रहे हैं। वहीं संगम तट का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे सहयोगी सैयद आकिब रजा ने। विद्या की देवी सरस्वती की उपासना का महापर्व बसंत पंचमी आज पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत भी हो जाती है। आज माघ मेले का चौथा स्नान है और हम मौजूद हैं संगम तट पे। सबसे पहले आप तस्वीर देख रही है, यह संगम का ये नज़ारा है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले का हालांकि ये चौथा स्नान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। इसके बाद माघी पूर्णिमा का स्नान है जो 27 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी के स्नान पर वे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं जो श्रद्धालु हैं। जी, आज बसंत पंचमी है, क्या कहना चाहते हैं और आज के दिन का क्या महत्व है? बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर माता पार्वती जी और शिव जी का आज के दिन लगन पत्रिका बनाई गई थी। पहला तो ये है कारण आज बसंत पंचमी के दिन का महत्व, दूसरा गंगा यमुना सरस्वती जी का यहाँ पावन स्थान है और अक्षयवट भगवान का भी पावन स्थान है और बड़े हनुमान जी का भी यहाँ पर स्थान है। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो कोरोना वैश्विक महामारी यहाँ पर चल रही है ये हमारे पूरे विश्व में ख़त्म हो और सब श्रद्धालु जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं सबकी मनोरथ कामना पूरी हो। अब ये बताइए कि आपने भी बहुत सारे स्नान किया होगा, आज के दिन का क्या महत्व है और किस तरह की आपने आज तक डुबकी लगाई है? ये शिव जी का बसंत पंचमी पर्व है। यहाँ से बसंत पंचमी से लगन चालू होती है और शिवरात्रि के दिन विवाह होता है, ऐसी मान्यता हमने सुनी है। आपने आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम गंगा माई से प्रार्थना करते हैं कि सब बाल बच्चे आनंद से रहें और इसके साथ साथ जो बाल बच्चे छोटे छोटे भी आए हैं साथ में तो उनके लिए यह संस्कार मिलता है कि गंगा जी का स्नान करना चाहिए। आप बताइए कि आपने लगाई है डुबकी, क्या कहना चाहती हैं? कितना अच्छा वातावरण माहौल लग रहा है और क्या कहना चाहती हैं? गंगा नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी दूर हो जाने। जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं कि? हम भी यही सोचते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द दूर हो और यहाँ पे सबकी मनोकामना भी पूरी हो। और यहाँ का वातावरण देख करके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छी सुविधाएं हैं सरकार की? हाँ, अच्छी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो कह रहे हैं कि सुविधाएं अच्छी हैं और बसंत ऋतु के बाद से ही शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं और दान दक्षिणा भी यहाँ पर स्नान के बाद किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।